हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम आज एक नए वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। तो आज हमारे पास दो फ्यूज है, इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा जो कि बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट और मैं आपको सारी जानकारी इसमें देता हूँ कि क्या बताने वाला हूँ आज। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास दो फ्यूज है। इसमें सबसे मेन चीज़ मैं आपको आज क्या बताने वाला हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो फ्यूज है तो इसमें हमको कैसा वायर लगाना चाहिए, कैसा फ्यूज लगाना चाहिए कि हमारा ये अच्छे से काम करे। और एक चीज़ मैं आपको, अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे तो मैं आपको लास्ट में कुछ ऐसा करके दिखाने वाला हूँ, लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हाँ ये कैसे काम करेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास फ्यूज है, हमको इसमें कॉपर बांधना चाहिए या अलमुनियम बांधना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को ये जान लेना ज़रूरी है कि हमको कॉपर सही रहेगा या अलमुनियम। इसका मैं लाइव प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि कॉपर में कितनी ताकत होती है और अलमुनियम में कितनी ताकत होती है, कि हमको कौन सा वायर बांधना चाहिए। फ्रेंड, जैसा कि मान लीजिए हम कॉपर इसमें बांधेंगे और इसमें अलमुनियम बांधेंगे, दोनों में अलमुनियम बांध, एक में कॉपर एक में अलमुनियम बांधेंगे और इसका लाइव प्रूफ करूँगा। तो हमको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमको कॉपर बांधना चाहिए अलमुनियम। तो फ्रेंड, हमारी समझ से तो सबसे सही होता है कॉपर। आप कॉपर का वायर अगर इसमें लगाते हैं तो ये बहुत सही रहता है, क्योंकि कॉपर का वायर जल्दी से कटता नहीं है और अल्मीनियम का वायर जो है वो जल्दी कट जाता है। तो हम इसमें सबसे पहले एक वायर में लगा देते हैं। हमने एक कॉपर का वायर निकाल लिया पहले ही, तो हम इसमें लगा देंगे कि कॉपर का वायर पहले लगा देते हैं, उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा, मतलब चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हम इसमें कॉपर लगा के इसको टाइट कर देता हूँ। आपको मैं इसको पूरा लाइव करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। और फ्रेंड्स, मैंने ये दूसरा वायर निकाल लिया है अल्मीनियम का, तो हम अल्मीनियम इसमें बांधेंगे और देखेंगे कि हाँ ये कैसे रुकता है कि नहीं रुकता है। तो हम इसके साथ में अल्मीनियम का वायर लगा देते हैं। फ्रेंड्स, अभी इसमें अल्मीनियम का वायर मैं टाइट करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा, मतलब रुकेगा, आपको क्या अच्छा रहेगा लगाने के लिए। क्योंकि आप लोग बहुत ही घरों पे अपने परेशान हो जाते हैं, आप देखते हैं कि बार बार हमारा फ्यूज कट जाता है। जैसे कोई भी दिक्कत होती है, लोड पड़ता है तो तुरंत हमारा फ्यूज कट जाता है। तो हम देखते हैं कि अल्मीनियम कटता है कि नहीं कटता है, कॉपर चलेगा सही रहेगा कि अल्मीनियम सही रहेगा, इसके बारे में मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ करके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दोनों में, एक में अल्मीनियम लगाया है एक में कॉपर लगाया है। चलिए मैं पहले लाइव प्रूफ करके आपको दिखा देता हूँ कि हाँ ये हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे, इसमें शॉर्ट करेंगे और देखते हैं कि हमारा कटता है कि नहीं कटता है। तो फ्रेंड्स, मैंने वायर को लगा दिया है, अभी मैं इसमें टच करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसको इसमें अल्मीनियम में लगाया हूँ, अभी टच करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने आपको लाइव प्रूफ करके दिखा दिया है, मतलब ये इतना जल्दी नहीं कटता है। अभी इसको भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं लाइट मेरी पूरी बंद हो जा रही है।
फिर भी ये कटा नहीं है। इसका मतलब हम अल्मोनियम लगाएं या कॉपर लगाएं, इतना जल्दी मतलब नहीं कटेगा जब तक इस पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, या तो घर में कई जगह से स्पार्क होगा तब ये फ्यूज करता है, या तो जैसे ओवरलोडिंग होगा घर के अंदर में बहुत सारे सिस्टम लगे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इस पर लोड आ जाता है तब ये कटता है, वरना ये नहीं कटता है। जैसे हल्का फुल्का एक बल्ब दो बल्ब या पंखा चलता है तो ये नहीं करता है, लेकिन अगर इस पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है तभी ये फ्यूज करता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो कि आपको देना था, चाहे आप कॉपर लगाएं अल्मीनियम लगाएं कोई दिक्कत नहीं होती है। आप वैसे इससे इस दोनों से बेटर होता है अगर आप फ्यूज वायर लाएं जो कि आपको 25-30 रुपए में मिल जाता है और अच्छा रहता है, वो हमेशा के लिए आप अपने घरों पे रखे रहिए, जब भी ख़राब हो तुरंत फ्यूज वायर लगा लीजिए, वो इससे अच्छा रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है आप कोई भी वायर लगाएंगे चलेगा सब, लेकिन आपका ये तभी कटेगा जब ये बहुत ज़्यादा ओवरलोड होगा तभी ये कटेगा, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको लाइव प्रूफ करके दिखाया है कि ताकि आपको मतलब पता चले कि हाँ ये क्यों कटता है। ऐसे अगर आप शॉर्ट होगा तो ये नहीं कटता है, लेकिन अगर आपके घरों में बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग होता है तभी ये फ्यूज हमारा उड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा और ये अच्छी जानकारी मिली होगी। लगभग इस पे अगर बहुत ज़्यादा लोड हो तभी ये कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी लेके, तब तक के लिए नमस्कार।